देखिए, जो भी हाथी के बारे में हमारे लोगों में एक तरह का एक श्रद्धा है, एक विश्वास है, जो भी हम कार्यक्रम करते हैं वो भावनात्मक एक विषय है। हर साल हम दशहरा में, जो कि विश्व विख्यात दशहरा है, जंबू सवारी होती है। यहाँ पर 14 हाथियाँ जो हमारे वन विभाग के हैं वो भाग लेते हैं। उनको शुरू से ही ट्रेनिंग दिया जाता है। माहौत है, कावाडिगा है, वो लोगों के कंट्रोल में हाथी रहते हैं। जब हाथी हम मैसूर को भेज देते हैं वहाँ पर, तो आम लोगों का और सभी वर्ग के लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि उनके साथ सही ढंग से रहना चाहिए। उनके साथ अगर मौज मस्ती करते गए तो उनको प्रवोक करते गए तो हाथी थोड़ा बहुत बिगाड़ने का संभव रहता है। तो मैंने जिस प्रकार से मुझे मैसेज मिला कैसा एक हाथी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, हमारे अधिकारियों को मैंने ताकीद किया है कि डिसिप्लिन मेंटेन करो, SOP मेंटेन करो और ऐसा फिर नहीं हुए जैसा एक्शन लेना, ये हमने बोला है। तो आतंक की कोई बात नहीं है, हमारे अधिकारी लोग सतर्क हैं और बाहर हाथी आने के बाद भी कोई समस्या नहीं होना ऐसा देखने का पूरा व्यवस्था हमने किया है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सेल्फी भी लेते हैं और जिस तरह का हरकत आप, यही तो मैंने कहा सेल्फी लेते हैं या उनको, वही तो बोला, वो सब बैन करके हमने बोला है, SOP बना के दिए हैं। तो जो भी नियम है, नियम फॉलो करे तो कुछ होता नहीं है। वो लोगों में प्रचार करना चाहिए, प्रसार करना चाहिए, अवेयरनेस लेके आना चाहिए और ऐसा नहीं हो जैसा देखना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।